नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची है मुजफ्फरनगर के गांव वहलना में। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आए, लोगों को अधिकारियों से कर्मचारियों से रूबरू भी कराया, तो कितनी उपयोगिता विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप मान रहे हैं? देखिये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो सरकार की जितनी योजना है वो गाँव वालों को पता लगती है। एक बहुत से लोगों को चक्कर काटना पड़ता है, किसी को नहीं पता, ब्लॉक में, तहसील में, डीएम के ऑफिस में, अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है, जिसे लाभ नहीं मिल पा रहा उसे मौके पर। और बहुत सी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऐसी योजना है जो हाथ के कारीगर हैं, चाहे वो बढ़ई है, चाहे वो लोहार है, चाहे वो सोने का काम करने वाले हैं, चाहे राजमिस्त्री है, 3 लाख तक का लोन और 5% इंटरेस्ट रेट, कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं, तो ऐसी बहुत सी स्कीम है जिनका गांव वालों तक पहुंचाने में सहायता मिल रही है। और जो कुछ कमियां हैं योजनाओं में वो भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के पास जा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इवेंट इसे बनाया जा रहा है। देखिए, है तो सरकार की योजना है, लेकिन ये सच है कि हम पॉलिटिकल आदमी, अगर हम कोई काम किया है हमने तो उस काम को जनता के बीच में ले जाने में कोई वो भी नहीं है। अब अगर मोदी जी ने शौचालय बने, मैंने कहा पूछा तो शौचालय बने हैं सबके घर में, किसान सम्मान निधि मिल रही है ज्यादातर लोगों को, ये इस तरह के जब काम हो रहे हैं तो राजनीतिक रूप से लाभ भी उसका लेंगे ही लेंगे। अच्छा, बड़ा विवाद शुरू हो गया जागाईडी में, पहले दिन ही टोल शुरू हुआ, 1 घंटे में किसानों ने बंद करा दिया और अब बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, बड़ी समस्या है। और पिछले 6-7 महीनों से किसान वहां धरने पर भी बैठे हैं, एक और बीज की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक अनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, टोल उसके बाद लगाना चाहिए, बात तो ठीक है। और जहाँ तक वे बैठे हैं तो उन्हें भी ये देखना चाहिए, कुछ बहुत से काम जिद में ना हो, अगर आवश्यकता है, मैं खुद भी बात की है मीटिंग में, एनएच के अधिकारी भी गए हैं, डीएम भी गया है, तो कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास पहले भी हुए हैं। मैं तो दोनों ही पक्षों से निवेदन करूँगा कि व्यवहारिकता, चूँकि एनएच में अगर कुछ सिस्टम है कि नहीं हो सकता, टेक्निकली फिजिबल जो रिपोर्ट वो लगा देते हैं, वो इंजीनियर की बात हमें माननी भी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत से एक्सीडेंटल जोन बन जाते हैं। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि मिलजुल कर बैठ के इस मामले का कोई हल निकले। एक आखिरी सवाल आपसे, लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं गन्ने के भाव की, लोग हमसे भी फोन करके पूछ रहे हैं मंत्री जी को, किसानों के चेहरे पर खुशी कब आओगे, गन्ने का भाव कब बढ़ घोषित होगा? बस मुझे लगता है मैक्सिमम 3 दिन, कल मैं लखनऊ से आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, कल भी मिला हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर गन्ने का भाव डिक्लेयर होगा, बढ़ेगा। बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि गन्ने का भाव 3 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा।